नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। केरल सरकार फैसले पर बिफरे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, बोले कुलाधिपति पद से हटाने का विधेयक मैंने नहीं पढ़ा। गुजरात में भाजपा सरकार के मंत्रियों को मिला जिलों का प्रभार, सुशासन के लिए बड़ी पहल। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत, भीषण सर्दी में होगा नए साल का आगाज। कर्नाटक में भड़काऊ भाषण को लेकर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। तीस दिसंबर को अपने दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे कर्नाटक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, करेंगे जनसभा। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर लगाई रोक, ओडिशा के केंद्रपाड़ा नगर पालिका पर लगाया था भारी जुर्माना। कांग्रेस ने रॉबर्ट वाड्रा का किया बचाव, सुरजेवाला बोले भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है सरकार। पप्पू कहे जाने वालों पर राहुल गांधी ने दिया करारा जवाब, बोले मुझे किसी भी नाम से बुलाया जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं उस नाम का स्वागत करूंगा। असम में ओलावृष्टि ने तबाही मचाई, 4,400 से ज्यादा घरों को नुकसान, 18,000 लोग प्रभावित। नागालैंड के मंत्री का मजाकिया अंदाज, कोहिमा में पारा 13 डिग्री सेल्सियस, ट्रेमजी ने कहा तापमान आपकी उम्र से कम हो तो उठने का मन नहीं करता। उद्धव ठाकरे ने सिद्धे पर कसा तंज, बोले शिवसेना के बागी विधायक पानी का बुलबुला है, फोड़ने के लिए मज एक पिन की जरूरत। जम्मू के सिद्रा इलाके में पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। मेरी फोटो दिखाकर लेते हैं लोधियों के वोट, उमा भारती बोली, मैंने कहती है, मैंने कहा कि तुम भाजपा को वोट करो, खुद निर्णय लो। सीएम शिंदे 865 विवादित गांवों को महाराष्ट्र में मिलवाएंगे, कर्नाटक सीएम बोले राज्य के एक इंच भी जमीन नहीं देंगे। बूस्टर के बाद नहीं ले सकेंगे नेजल वैक्सीन, कोविन में चौथी डोज नहीं, दूसरे देशों में 4-5 वैक्सीन लेने वाले भी संक्रमित हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से विपक्षी दलों का किनारा, जयंत 9 दिन के लिए बाहर गए, सपा बोली अखिलेश के पास टाइम नहीं। जेल में तैनात सिपाही को 5 वार्डरों ने पीटा, निलंबित ड्यूटी से लौटने के दौरान क्या हमला, खाने में मिलावट का बना रहे थे दबाव। गाजियाबाद में छात्र गुटों में चले लाठी और डंडे और बेल्ट, बाइक की साइड लगने पर हुआ था विवाद, सड़क पर मची अफरा तफरी। मनोज तिवारी बोले हमें राहुल गांधी जैसी बेवकूफियां नहीं करनी, बीजेपी सांसद के बयान पर सपा का पलटवार। दो बाइकों के भिड़ंत में 2 की मौत, झांसी में जीजा को छोड़ने बस अड्डे जा रहा था, परिवार चलाने की जिम्मेदारी थी।
पीलीभीत में फंदे से लटकता मिला युवक, दरवाजा खुला होने पर अंदर गए पड़ोसी, बॉडी लड़की देख बुला ली पुलिस। मथुरा में 25,000 का इनामी लुटेरा गिरफ्तार, भेष बदल कर रहा था, 17 साल से पुलिस कर रही थी तलाश। चेकिंग करने गई टीम की पिटाई, बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटा, गुस्साए ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा जेई ने, भागकर बचाई अपनी जान। रेप के बाद जन्मे बच्चे को छोड़कर चली गई मां, 13 दिन में एक बार भी नहीं देखा, नर्स बोली किसी और के गंदे काम की सजा यह बच्चा झेल रहा है। उन्नाव में 7 होटलों को नोटिस, आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम न होने पर कार्रवाई, फायर के अफसरों ने दी थी जांच। मुरादाबाद में भी सड़क पर थार क्रेटा पर स्टंट, बच्चा बच्चा बदमाश हो गया, गाने पर बोनट और छत पर बैठकर बनाई रील। संतकबीर नगर में हथियार चलाने में पुलिस सफल, बंदूक की नली से एसआई ने डाली गोली फिर करने लगा फायर। यूपी में 7 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर, प्रयागराज एडीजी प्रेम प्रकाश हटाए गए, ए सतीश गणेश को एडीजी जीआरपी का चार्ज। निकाय चुनाव से पहले सड़क बनाने में भ्रष्टाचार, सुल्तानपुर में ठेकेदारी पीली ईंट का कर रहे यूज, मानक के विपरीत बना रहे नालियां। फिरोजाबाद में डीएम ने रैन बसेरों का किया निरीक्षण, कहा सुविधाओं में नहीं होनी चाहिए कोई कमी, आधार की ना लगाए अनिवार्यता। जन्मदिन के दिन सड़क हादसे में युवक की मौत, प्रतापगढ़ में नाना को दवा देकर घर लौट रहा था छात्र, वाहन ने मारी टक्कर। सुल्तानपुर में मनरेगा श्रमिकों के आगे आर्थिक संकट, 24,000 से अधिक मजदूरों को 2 महीने में नहीं मिली मजदूरी। बरेली में 9 वर्ष से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई, सार्वजनिक स्थलों पर चलाया गया चेकिंग अभियान। शाहजहांपुर में महिला ने दुष्कर्म का लगाया आरोप, का सफाई कर्मी ने तमंचे के बल पर किया दुस्साहस, जान से मारने की धमकी दी। $1.37 करोड़ रुपए बोरी में लेकर भागा कर्मचारी, आगरा में बैंक में जमा कराने पहुंचा था कर्मचारी, पैसा सिक्योरिटी गार्ड के जाते बॉक्स तोड़ डाला। बागपत में खेत जा रही युवती से छेड़छाड़, विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट की, शोर मचाने पर भागा युवक। फिरोजाबाद बस स्टैंड पर सीएनजी सिलेंडर हुआ लीक, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने खुले में रखवाया, गैस निकलने के बाद कब्जे में लिया। बागपत में पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, संदिग्ध वाहनों और लोगों की तलाशी ली, शराब की दुकानों में की जांच। जिंदा जलकर एक परिवार के 5 लोगों की मौत, गहरी नींद में थे सभी, भागने का मौका नहीं मिला किसी को भी। हमीरपुर में पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली, ज्वेलरी की दुकान में की थी चोरी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कैंपस में छात्रों ने लहराया तमंचा, विश्वविद्यालय में कश्मीरी और गाजीपुर के बीच हुई झड़प, वीडियो हुआ वायरल।
बदायूं में युवक ने गोली मारकर की आत्महत्या। साथी को पुलिस ने लिया हिरासत में। होटल में अपने साथी के साथ ठहरा था युवक। बांदा में अज्ञात वाहन की टक्कर से दो की मौत, एक घायल। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में पहुंचाया गया। बुलंदशहर में बाग में गर्दन कटी, शव मिलने से सनसनी। मृतक की अब तक नहीं हुई शिनाख्त। एसपी सिटी सीओ सिटी मौके पर पहुंचे। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। आईआईटी के छात्र की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। कोलकाता से लौटा था छात्र। उत्तराखंड में बनफुलपुरा में उतरा रेलवे और प्रशासनिक अमला। सर्द मौसम में धरने पर बैठे सैकड़ों लोग, भारी पुलिस बल तैनात। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 3.1 रही तीव्रता। सीएम पुष्कर सिंह धामी 30 दिसंबर को कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में होंगे शामिल, देंगे सुझाव। उत्तराखंड में महिला आरक्षण विधेयक लौटाने से राजभवन ने किया इनकार, कहा अभी विचारधीन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों के संग चर्चा की, कहा आगंतुकों के लिए सचिवालय में गठित होगी हेल्प डेस्क। सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिला स्वच्छ राजनीतिक सम्मान। नित्यानंद स्वामी जनसेवा समिति ने किया सम्मानित। उत्तराखंड हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद शासन और वन विभाग हुए संजीदा। अब प्लास्टिक कचरे से मुक्त होंगे उत्तराखंड के जंगल। नैनीताल के भीमताल में 76 साल बाद दिखा बाघ। नौकुचिया ताल में ग्रामीणों ने बनाई वीडियो और फोटो। उत्तराखंड में 3.25 लाख वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्रों की होगी जांच। परिवहन मुख्यालय ने एनआईसी को भेजा पत्र। उत्तराखंड में एसटीएफ ने सीएससी में मारा छापा, विदेशियों के बनाए जा रहे थे आधार और आयुष्मान कार्ड, दिन गिरफ्तार। जोशीमठ बचाओ आंदोलन, नदी किनारे बनेगी सुरक्षा दीवार। भूत धमा से प्रभावित एक एक मकान का किया जाएगा निरीक्षण। उत्तराखंड में पिलरबंदी के विरोध में प्रदर्शन। सर्दी के बीच बच्चों महिलाओं के समेत हजारों लोग सड़क पर बैठे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बीआरओ ने तैयार किए 2 मोटर पुल, नेपाल चीन सीमा तक पहुंचना आसान। उत्तराखंड में वन स्टॉप सेंटरों से निकाले गए योग्य कार्मिकों को नियुक्ति की वरीयता। सरकार ने हाईकोर्ट में दिया शपथ पत्र। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिए संकेत, मकर संक्रांति से हो सकती है दायित्व वितरण की शुरुआत। अमेरिका में बॉम्ब साइक्लोन, 60 से ज्यादा मौतें, सड़कों पर मर रहे हैं लोग। संयुक्त राष्ट्र कर सकता है मध्यस्थता, फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच हो सकती है शांति वार्ता।
अमेरिका के बाद अब जापान बर्फबारी, भारी हिमपात के कारण अब तक 17 लोगों की मौत। जापान के पीएम किशिदा ने मंत्रिमंडल सुधार के लिए चौथे मंत्री को किया बर्खास्त, फंड के दुरुपयोग के लगे थे आरोप। यूक्रेन के बाद यूरोप में एक और जंग की आहट, सर्बिया और कोसोवा के बीच हालात हुए खतरनाक, सेना अलर्ट। अमेरिका में कमला हैरिस के घर के बाहर 130 प्रवासी छोड़े, व्हाइट हाउस ने कहा शर्मनाक। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन का फैसला, यूरोपीय देशों में होने वाले तेल निर्यात पर बैन का आदेश। कोरोना को लेकर भ्रम और फैलाएगा चीन, महीने में सिर्फ एक बार जारी करेगा आंकड़े, हटाएगा पाबंदियां। फिलीपींस में क्रिसमस के दिन हुई बारिश और बाढ़ से 13 लोगों की मौत, 23 अभी भी लापता। महिलाओं पर लगे प्रतिबंधों को तुरंत हटाया जाए, तालिबान को यूएनएससी की खरी खरी, गुटेरेस बोले ये मानवाधिकार का उल्लंघन। बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी पर ज्यादा ब्याज, फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा 7.55% तक का रिटर्न। महंगे होम लोन के बाद भी 2022 में मकानों की बिक्री 8 साल के उच्च स्तर पर। सरकार पर कर्ज का 1% बढ़कर 147.19 लाख करोड़, दूसरी तिमाही में प्रतिभूतियों से मिले 4 लाख करोड़। हरित हाइड्रोजन उद्योग को 180 अरब रुपए का मिल सकता है प्रोत्साहन, आगामी बजट में हो सकती है घोषणा। संतावन फीसदी कर्मचारियों को 12% वेतन वृद्धि की उम्मीद, संगठित क्षेत्र के रोजगार में इस साल रही तेजी। दो दिनों से लग रहा अडानी विलंबन के स्टॉक में अपर सर्किट, अडानी पावर भी अब 10% उछला। सीबीआई कस्टडी में कोचर दूध के लिए विशेष इंतजाम, घर का खाना और स्पेशल बेड की सुविधा। एम्स में भर्ती सीतारमण की सेहत में सुधार, वित्त मंत्री को अस्पताल ले जाया, किया जा सकता है डिस्चार्ज। स्कॉर्पियो एन के 5 नए एंट्री लेवल वेरिएंट लॉन्च, लग्जरी एसयूवी के पेट्रोल डीजल में मिलेंगे 30 ऑप्शन। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स मामूली बढ़कर 60,950 के करीब पहुंचा, अडानी बिलमेर के शेयर में 5% का अपर सर्किट। जेवा धोनी को मिली मेसी के साइन वाली जर्सी, साक्षी ने शेयर की फोटो, कैप्शन में लिखा जैसा पिता वैसी बेटी। चेतन शर्मा दोबारा सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बन सकते हैं, सीएसई के शॉर्टलिस्ट में पिछली कमेटी से चेतन और हरविंदर का नाम भी। कार्यकाल पूरा किए बिना ही बांग्लादेश के कोच डोमिंगो ने दिया इस्तीफा, भारत से टेस्ट में मिली हार के बाद किया फैसला।
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा, ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए पूरा जोर लगाएगा भारत। श्रेयस अय्यर पर अजय जडेजा का बड़ा बयान, बोले 2 से 3 साल पहले उन्हें अगला कप्तान माना जा रहा था। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, हार्दिक को T20 की कमान, वनडे में रोहित रहेंगे कप्तान, शिखर पंत को जगह नहीं। पाकिस्तान पहली पारी में 438 रन पर ऑल आउट, आगा सलमान का पहला इंटरनेशनल शतक, न्यूजीलैंड में 165/0। निकोलस पुरन के आने से बेहद मजबूत हो गई लखनऊ की टीम, खिताब जीतने की प्रबल दावेदार। दिसंबर को होगी सीएसए की बैठक, जनवरी के पहले हफ्ते में घोषित हो सकती है टीम इंडिया की नई चयन समिति। बीसीसीआई ने बना लिया फ्यूचर प्लान, हार्दिक को बनाया वनडे में उप कप्तान, तो सूर्य कुमार को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। किली पॉल की बहन ने बेशरम रंग पर किया डांस वीडियो, देख यूजर्स बोले आपने तो दीपिका पादुकोण से भी अच्छा किया। क्रिसमस के बाद न्यू ईयर सेलिब्रेट करने निकले जैकी रघुलप्रीत, मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट, लंबे समय से एक दूसरे को कर रहे हैं डेट। सलमान खान से मिलने के लिए बेकाबू हुई भीड़, पुलिस ने किया लाठी चार्ज, भाईजान के फैंस को डंडों से पीटा। रंगदीप बसंती फिल्म सिद्धार्थ ने सुरक्षा कर्मियों पर लगाया आरोप, बोली भाषा को लेकर पेरेंट्स को किया तंग। जान की बहन के बेहद करीब थी तुनिशा, 3 हफ्ते पहले फलक नाश के साथ फोटो पोस्ट की थी, लिखा माय फेवरेट पर्सन। सर्कस के फ्लॉप होने से मुश्किल में रणबीर का करियर, ट्रेड एक्सपर्ट्स बोले करियर का बुरा दौर है लेकिन वापसी नामुमकिन नहीं। कोविड के चलते 3 फिल्में बंद हो गई, वो अनबाम बोले खुद से ढिंढोरा बनाए, सफल होने के बाद भी ऑडिशन से ही मिला काम। यूरोप में हंसिका मोटवानी ने चलाए ई स्कूटर, फैंस ने की हंसिका की राइडिंग स्किल्स की तारीफ। हनी सिंह ने की गर्लफ्रेंड टीना के बारे में बात, बोले टीना को अपनी लाइफ में लाने के लिए मुझे महीनों तक उनका पीछा करना पड़ा था। गांधी गोड से एक युद्ध फिल्म का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, 9 साल बाद राजकुमार संतोषी ने डायरेक्शन में की वापसी। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।